देखिए ये महापंचायत जो आयोजित की जा रही है ये 2 अप्रैल 2023 को मानसरोवर में आयोजित की जा रही है। जयपुर में फिर एक बार महापंचायत होने वाली है और इस पंचायत को इस बार अनुसूचित जाति एवं जनजाति महापंचायत बुला रहा है। 2 अप्रैल की तारीख चुनी गई है जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग महापंचायत को करने वाला है। विस्तृत ये है कि हमारे जो अधिकार हैं, हमारा जो आरक्षण है, हमारे जो लोग अभी जेलों में हैं उनको छोड़ा जाए, उनके केस विड्रॉ किए जाएं, आरक्षण की जो सीमा है उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके उसी अनुपात में उसको क्रियान्वित किया जाए, जिसमें अधिकार और आरक्षण की मांग होगी। साथ में जेल में बंद लोगों को छोड़े जाने की मांग के साथ ही आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग भी शामिल है, जिसको लेकर 2 अप्रैल को जयपुर में महापंचायत का ऐलान कर दिया गया है। इस उद्देश्य से ये महापंचायत बुलाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक एक पहिया इधर उधर घूम रहा था। पहले SC के लोग अलग घूमते थे, ST के लोग अलग घूमते थे, लेकिन अब वो दोनों पहिए जुड़ गए हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें और आगे आने वाले समय में बहुत बहुत, बहुत तेज गति से आएगी। इस महापंचायत में SC ST का आरक्षण की मांग दोहराई जाएगी और जनसंख्या के अनुसार आरक्षण की मांग की जा रही है। प्रोग्राम ये रहेगा कि वहाँ पर पूरे राजस्थान भर से युवा लोग भी आएंगे, कार्यकर्ता भी आएंगे, राजनीतिक लोग भी आएंगे, पंच सरपंच भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, विद्यार्थी भी आएंगे और एक बहुत ही प्रभावशाली गैदरिंग इस रूप में हुई कि हमें मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लाइंग डाउन नाउ इन फ्यूचर एंड वी शैल बी रेडी टू रियली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इफ यू आर नॉट प्रिपेयर टू लिसन। बता दें आरक्षण की मांग को लेकर अनुसूचित जाति और जनजाति की ओर से पहले भी साल 2018 में भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के दौरान समाज के लोगों पर मुकदमे हुए थे, जिन मुकदमों को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। साथ ही प्रकरणों पर विचार करने की बात कही गई है। मिलाकर के एक तो ये मामला था, इस दौरान क्या हुआ कि जो पूरे देश भर में एक आंदोलन चला, उस आंदोलन के बाद मुख्य रूप से युवा वर्ग, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे, इन सभी लोगों ने बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई और परिणाम ये हुआ कि राजस्थान में 322 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इसकी डिटेल आपके हाथ में है। 22 जो केस दर्ज हुए उनमें से आज भी 114 केस लंबित पड़े हुए हैं, कुछ ट्रायल में है। सही माने में तो रिलीफ मिला, जैसे 5 साल की अवधि बीत जाने के बावजूद भी उनके ऊपर वो तलवार लटकी हुई है। वहीं 17 मामले CRPC के धारा 173 में पेंडिंग बताए जा रहे हैं और सरकार से मांग है कि मामले पर सहानुभूति विचार कर सभी प्रकरणों को बंद किया जाए। बता दें साल 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण प्रतिशत 16-12 से बढ़कर 17.8% और 13.5% की मांग की जा रही है और संस्था का कहना है कि अगर ये मांग पूरी होती है तो करीब 54,000 सरकारी नौकरियों के साथ ही 1,50,000 संविदा नौकरी अनुसूचित जाति जनजाति को मिल सकती है, जिसको लेकर जयपुर के मानसरोवर शिप्रापथ के सामने महापंचायत का ऐलान किया गया है और इसका नाम जयपुर चलो दिया गया है, जिसको लेकर समाज के लोग महापंचायत की तैयारी में जुटे हैं।